तो फिर सबसे बढ़िया है। गलत काम कोई नहीं है, हमरा यार बतलाएगा, इनको बतला समझाओ, नीचे से समझाना, थोड़ा थोड़ा समझ लेना पूरी बात। देखो इधर आओ, हाँ बताओ। अरे 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 रैया बाबा तुझा बाबा चल रैया साहब लाल बताओ रहे क्या बता रहे थे तू काबीड़ी पे जा रहे क्यों नहीं यू कहित रहे 100 रुपया कुलदीप राठौर 50 रुपए मनोहर श्रीवास्तव 50 रुपए पैरेलाल राठौर 100 रुपए होलीलाल राठौर 100 रुपए जयपाल राठौर 100 रुपए मुन्ना गौतम 151 रुपए तुलसीराम राठौर और 101 रुपए कमलेश गौतम पेंटर तिरवा 100 रुपए गयादीन महुपारा 100 रुपए रिंकू तेरवा और 200 रुपए नीरज पांडे और 100 रुपया रामपाल तेरवा 100 रुपए जे जे राम तेरवा और जितने रुपया शेष बचे हैं कमेटी में यहाँ वो फटाफट दे जा नहीं तो घर ते बस। तुम साले पैसा कमेटी में बोले हो बता रहे हो जी 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 कर रहे हो। ए भैया हमका जल्दी काम बताओ। बता रहे वैसे पैसा छोड़ हमारा यार समझाएगा समझ लो क्या कहना ये चाहता क्या समझाएगा बताओ। देखो हाँ तुम्हें गवाही देनी है और गवाही में कहना जानते हो क्या है गवाही हाँ हरे अदालत गवाही तो नहीं हम हूँ तुम रेल देख ले अरे नहीं हाँ हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे यार बताओ। अच्छा देखो तुम्हें गवाही में ये कहना होगा कि साहब अगर जब वहाँ चलोगे तो साहब पूछेंगे ना तो उनसे कहना साहब हम बकरी लिए बकरी चराने गए थे वापस बकरी लेके आ रहे थे तो घर में बासन खरवाने लगे और लड़ाई झगड़े की आवाज आई अचानक जब हम दौड़ के घर में गए तो देखा माधव रामचरण का कत्ल कर दिया था। बस इतनी बात कहनी है यार और एक बात और तनको गड़बड़ ना करो नहीं आई हम तो बंदे हो भी संग है तो बहु हम बंद हो जाई हो। पैसा अरे पैसा कितना पैसा चाहिए तुम्हें लाओ कितने पैसे और का 2000 रुपया में आना है। अरे नहीं गवाही रुपया ले वो 1000 मैं बात अरे यार हम तुम्हें 2000 रुपया देंगे 2000 यही 1000 ले इनकी सारे कहानी पटी रही नहीं गवाही कोई मिली है नहीं। अरे इधर आओ इधर आओ। अरे तुम 1000 बता रहे हो हम 2000 रुपए तुम दोनों को देंगे। अरे पहले मत दो यार अन्यथा ये साले लेके पैसा निकल जाएंगे कहीं कच्ची यानी पतौरा छाप दारू पी के पड़े होंगे और हम तो वहाँ कोर्ट में इंतजार कर रहे होंगे गवाही देने के लिए ये साले नहीं आएंगे। गवाही दे दे पैसा जान चले अरे नहीं जान चले गेट पे हमसे पैसे ले लेना तब गवाही देना ठीक है। हाँ पहले पैसा ले ले आप। एक मेरी बात सुनो ध्यान से क्योंकि गेट पर जब पहुंचना तो रुपए तुमको 2000 देंगे। अच्छा ठीक है 2000 ले लेना तब गवाही देना अगर मेरी गवाही नहीं दिया तो समझ लो गेट के बाहर वापस नहीं आओगे। एक एक क्वार्टर रोल ले आप। अरे यार पक्का एक एक क्वार्टर की बात कर तो चलो 21 कर दूंगा 100-100 रुपया दे दूंगा बाद। इधर देखो इधर इधर यार देखो सारा दाम ही तो दाम है यार ये पैसा दे दियो यहाँ नहीं दूंगा अगर यहाँ दूंगा तो तुम गवाही नहीं दोगे पता घर भाग जाओ यार ऐसे नहीं ऐसा नहीं पक्की बात करता हूँ तुमको 2500-2500 रुपया दूंगा। सुन ले ओ एक क्वार्टर हो सके रहे हो कच्ची दारू कच्ची बात पक्की दारू पक्की बात उतर गए तो मन की बात। ए एक बात और एक कच्ची बात नहीं हमारी पक्की दारू दूंगा पक्की बात होना चाहिए।
गवाही हो। अगर तब की दारू उतर गई साले गवाही नहीं दिया तो सर तुम्हारे कलम कर दूंगा, समझ लेना। हाँ भैया जन पैसा दे काम तो ले पाई करी। चलो बढ़ाओ पैगाम, हमारे साथ चलो गवाही देने के लिए। हवलदार चौकीदार जी, हवलदार साहब से छुट्टी पर है। चौकीदार जी सर, चौकी हवलदार से लाकब के बैठे हुए हैं। लाकब में जितने ये मुलजिमबंद हैं सभी मुलजों को मेरे साथ में पेश किया जाए। उत्तर पेश करीबा जितने हवलदार रहे शायद एक चला गवा बड़का खिया हवलदार ड्यूटी पर, एक चला गवा प्रेमी खिया। इन्हें सब घूमने में चले गए हैं। घूमे नहीं, उनके घर पर उनकी दुल्हन की देख रेख कर रहे हैं। सामने से गाड़ी आ रहे हैं, जो कि लाकर सब मुलजिम आ रहे हैं। पुलिस सारे साहब साहब सामने से गाड़ी आ रही है। चौकीदार गाड़ी कहा जाता है। हाँ गाड़ी, हाँ गाड़ी। हवलदार लाकब में जितने मुलजिम बंद हैं सभी मुलजिम अदालत में पेश किया जाए। ठीक है सर, बैठिए। मैंने कहा सतीश टेंट लाइट हाउस राउतपुर जहाँ कहीं भी हो वो भैया आप पीछे आ, मैं आपका कोई इंतजार कर रहा है। रजिस्टर का देखी हो, ओहो 36% 30 लंबाई, सीना 18, 16.30 कमर, 29.30 हिट और चाक 22 इंच, दामन 12 इंच और अस्तीन, अस्तीन जान मतलब क्या होता है, ई वाली अस्तीन 18 और तेवरा तेवरा का तेतीरा तेवरा 15, बॉटम 4.30, कॉलर 11 और सलवार सीट, सलवार के लिए सिलाई हुई है पक्की। यू हम नहीं करते हैं, यू सुशील महाराज करते हैं। हाँ आप सिलवार के सिलाई करते हैं साहेब। ओ साहेब साहेब, आज हम आप तेरे कुछ कहिया हैं जी, हम कह सकते हैं आज हमका छुट्टी दे दो। चौकी तुम थाने के चौकीदार, बहुत अच्छे चौकीदार हो, लेकिन छुट्टी लेकर क्या करोगे, क्या तुम्हारा? हम सवर में यहाँ बैठो। सवर में बैठोगे? हाँ क्यों तुम सवर में बैठो? सवर में बैठो, हमारे वहाँ दुल्हन के लिए लौंडा भवा है। यदि तुम्हारे अच्छी बात है लेकिन सवर में तुम बैठोगे? नहीं हम दिए जने हैं और कोई है नहीं। तुम्हारे तो बहुत तो साथी हैं यहाँ। साथी हैं तो मंत्रो का सवर में दिए जाए। अगर भाई टट्टी पेशाब जाई तुमका बताई, जो सुशील महाराज बैठा दे तो वही लौंडो छुआड़ो अलग कोई व्यवस्था दूसर सोचे लगी है। बंसी साहब कहिए, क्योंकि गवाह मौजूद है, अब अपने मुलजिम को बुला, गवाह उनको पहचानेगा। बिल्कुल सहज किया जाता है, आप लोग साइड में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मुलजिमों के बारे में हमारे गवाहों से बात करेंगे। बच्चों आप लोग बैठ जाइए। चौकीदार जी सर, चौकी लाकब के सभी मुलजिम बैठे हुए हैं और इनके गवाहों के अनुसार मुलजिमों की शिनाख्त भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें से सगंध है। तुम्हारे गवाह कहाँ हैं? हमारी गवाह एक ये है, ये दोनों खड़े सामने। का नाम तुम्हारा? इनका नाम चोखाई।
काना है रे आईडिया मारी लट फिरी परी हो ए अरे नाम मात्र ऊंचा सुनते हो जाले मुतन्नम जहां जो लई चले ना हम तुमका अरे यार भैया गिरा गिरा मारा इनको ऊंचा सुनाता है ऊंचा ऊंचा सुनाते ऊंचा सुनाता तुम्हार पुखई ना तेरा का नाम रे ए ये साले गवाह है मादर तो सही मालूम पड़ता साले गवाह फंसा देंगे हमारी समस्या कुछ गड़बड़ मामला इधर आओ आगे बढ़ तुमने खून होते हुए देखा देखा तुमने भी देखा 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 अरे चुप इधर एक उधर ही देख एक इधर इधर उधर दो उधर देखो साले इशारा कर रहे अरे ये केस का मामला है तुमने फोन करते हुए देखा है देखा फोन किसने किया था माधव माधव अरे माधव ना माधव माधव ने फोन किसका किया हाँ 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 किसका किया अपने बाप 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 का बाप का नाम क्या था रे राम रामचरण रामचरण जब तुम साले गांव में रहते हो तुम उसका नाम नहीं जानते हो साले तुम जबान लागत है अरे 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 तेरा क्या नाम बताया था भोकाई 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 भोगाई भोकाई भोकाई चमारे पसिया हुई हो पासी पासी मादर चोद साले जितने जाते हैं आते चमारे पासी आते साले गवाही देने किसका खून हुआ है जानते हो रामचरण का रामचरण का हाँ किसने खून किया माधव माधव ये यहाँ पर मुलजिम आए हुए जब तुमने देखा है कि माधव ने रामचरण का खून किया है तुमने आंखों से देखा कि किसी के बताने से नहीं तो कहते तो तुम पहचान भी जाओगे तुम्हारे गांव का आदमी तुम पहचान जाओगे ये मुलजिम खड़े अरे तू इधर आ जो तुमने जरा भी गफलत किया इसमें ये बताओ माधव कौन है जो माधव है उसके दी भोसड़ी वाले हम हो गए हम फसाए दे साले चमड़ी खींच खींच दूंगा उसके सर पे हाथ रखो तुम साले गवाही देने के पैसे पर साले दारू पी पीने के लिए वास्ते भैया दारू नहीं पीते दारू नहीं पीते साले हम उसको छोड़ देंगे तुम्हारी मैया छुदवा देंगे नहीं तो फटाफट केवल दो मिनट का समय ये जाने दी भोसड़ी वाले मर रहे हैं तो हम नहीं भैया गवाही रे, 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 रे।
इसके मतलब चौकीदार ये साले दारू पीने के वास्ते साले गवाह बनकर आए हैं। यदि दारू पैसों की सारों से आए हुए हैं, ये गवाह कौन कौन है? गवाह के सामने मैं पेश करता हूँ, गवाही देता हूँ। क्यों रे, आगे बढ़। क्यों रे, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा भकाई। भकाई, ये बताइए यहाँ अदालत में कैसे आए हो? अदालत में हम सर गवाही देने आए हैं। गवाही, क्या गवाही देने के लिए आए हो? कत्ल हुआ था। कत्ल हुआ था जी। किसका कत्ल हुआ था? कौन से कत्ल किया था? रामचरण कत्ल हुआ। किसने मारा? जबान लगेगी बादल, जो अदालत है जेल में डाल देंगे। जवाब ये तुम्हारी है, दोनों गवाह जिम्मेदार है। आप लोगों को समय 5 मिनट देते हैं, आप लोग मुल्जिमों की तरफ निगाह डाल लें। जो मुल्जिम आपको सच दिखाई पड़ता है उसी पर हाथ रखेंगे। चलिए बढ़ाइए पैगाम। इसके मतलब ये साला गवाह हमारे साथ जात का पासी। चल ले धरात जलट बादल चोक। तू बता, उसके बाद में साले निकी साले की पसुरी हड्डी तोड़ो। क्योंकि अगर भाई से आजू अगर जरा सी बदतमीजी हुई है तो हंटरों से काट देंगे। क्यों रे, मकाई नाम है? हाँ, गवाही देने आए हैं जी। आपके सामने मुलजिम लाके फिर भरे हुए हैं, कौन सा कत्ल किया है उससे सर पे हाथ रखे। अच्छा, साले आप लोग सबों चाहिए, अगर जरा से बदतमीजी किया तो बुलजिम साहब को जेल में। आप डालेंगे माधव चोर से, मतलब है कि ये झूठे हैं। तुम लोग आगरा पहचाना नहीं पहचाना? एक बार चांस में है, अगर बुलजिम आप बताते कौन है, मैं माधव चोर जेल में। अंतिम समय सर। चौकीदार, किसने बताया है? किसको? अदालत के व्यवस्था सर, समुझे गलती हुई है तो बाएं से दो आदमी हटा दीजिए। वो सभी जा सकते हैं, बाएं से दो आदमी हटा दीजिए और दाहिने से एक आदमी हटा दीजिए। इसको आगे लाओ, माधव आगे बढ़ाओ। क्योंकि शराब डाले तुम्हें बताते हैं कि मैंने सुन लिया है। बल से राजू करने संसार से अपने जो सर पे नकाब रखे हुए नकाब हटा दीजिए। सच कहते हो, सच कहते हो? क्योंकि माधव आपकी हकीकत बताने के समय हमारी अदालत से गुनाहों के दोषों से तुम्हें 20 साल की सजा हो रही है। साल की सजा हुई है, आप लोग सौ से जाइए। पैसे आज बता दिया कि अगर कोई समस्या बनती है इंस्पेक्टर कनौजिया का फोन लगाएंगे, मैं आपके हवेली पर तुरंत पहुंचा। ठीक है साहब, बहुत अच्छा। सवाल सर, चौकीदार जी सर, भाभी को 20 साल की सजा हो गई, अदालत उदार से 20 साल की सजा हो गई है। अब जो जल रहे हैं, अब पैगाम में आगे बढ़ाते थे जी। चौकीदार जी, तुमने बहुत अच्छा काम करते हो, ऐसे ऐसे चौकीदार स्टाफ के साथ रहेंगे तो स्टाफ का काम हमेशा जी। आप हैं कुंवर? हेलो, आप हैं कुंवर गौतम?
कुंवर गौतम की तरफ से 100 रुपया कमेटी में पार्टी को सा धन्यवाद। अब तुम्हार बुआ चुआता बबे है तोरी मैया के भोसड़ा चुआता हूँ भोसड़ी के पहले गवाही दिवा बुआ चुदा के बेर बेर पैसो ले गए और दारू भी लोग हेलो 100 रुपया अनूप गौतम तिरवा 101 रुपए योगेश शर्मा तिरवा 51 रुपए शिव रतन राठौर तिरवा कमेटी में दान दे रहे धन्यवाद। जो भी सज्जन कमेटी में दान नहीं दिए हैं कृपया दान देते रहें कार्यक्रम देखते रहें। दोस्त भाई अरे यार ये साले गवाह लड़खड़ा जाते हम जाते साले बुद्धि के कम है जिनको नहीं जानता। अरे यार हम तो अदालत में बहुत डर रहे थे हमने सोचा अगर ये साले कहीं गड़बड़ा दिए तो आज हम तुम यही फंस जाते चलो चलो चलते हैं मेरे यार चले यार और काम तो बन गया मेरे दोस्त मार्ग और काम तो बन गया सब दूर हो गई बदला लिया हाथों हाथों को आदत सारे का मारत माका भपई और भीमा अपने आप को हवाले कर दो। सले झूठी गवाही दे करके माधव को जेल करवा दिया भीमा और 20 साल की सजा करवा दिया रे भीमा बोल कुत्ते माधव ने खून करते हुए तुझे देखा था श्यामचरण का खून हुआ तब तुम हाथ है तो तुमने गवाही क्यों दिया तो जो पैसे पर बिक करके तुमने झूठी गवाही में माधव को फंसा दिया हाथ दिया ऐसा क्यों किया ऐसा तूने मीडिया में नहीं दिया हुआ नरेगा पर काम करे दिया इसलिए पक्की दारू के क्वार्टर दिया भीमा तब इसलिए काम में जीने के काबिल नहीं हूं जा भीमा जा आप भाई बहन गौरी हम पैगाम चाहते हैं राजू बंसी के यहां आज राजू बंसी को हम लोग पहुंचाएंगे इशारा होगा यू नहीं होए जानी जानी घुसा हिया जान फंसा भद भैया समझो ना कुछ बहुत बड़ी मुश्किल जान फंस गए हमारे फंस गए पाए अरे कुछ बताई उधर गवाह लेके रहने कुछ पता हल्का हल्का चला है कि उनका डाकू ने पकड़ ले हैं पता नहीं We'll be right back.
बंसी पहचान मुझे ले भैया मंगल। अरे बिटिया आज कोई हमसे गलती कौन सुगे बिटिया। बंसी बोलो नहीं पहचाना पहचान मुझे। अरे हम तुमका का जानी गांव घर के हुई और का जानी तुमसे का कोई गलती हुई हमसे। और इतनी जल्दी मैं क्यों रही और का भूल है। छोड़ू रही बंसिया बंसी दीवाना बंसी दीवाना और राजा बिटिया मेरे हमते मुते बहनी बुआ निकलिए बहुत जो लागत। आओ आओ यू समझ ले अपने बहुत जो लागत फिर हमको करे हमें मुते अंत संत निकली मुझे बका करके कहा ले गया था मुझे मैके भेजने जाता था। हाय भौजी तुम भौजी भौजी यू लेके की जमाना देख लो कहा भैया तुम कहाँ जा रहे हो भैया इसे काटा नहीं है इसको तो वो सजा देनी है जिस तरीके से मैंने ऐसे ही 12 वर्षों से दर दर की ठोकरें खा रही हूँ रो रही हूँ उसी तरीके से इसे रुलाना है। हम बताई इका सारे गड्ढा खोद के यहाँ गाड़ दी उसका मुंह खुला रखी पहले इसे आओ अपना भी हिसाब चुका लो क्योंकि तुम्हें मालूम है तुमको मालूम है जिसने मेरे साथ क्या किया है। यहोवा सही आओ इसे रखो फड़वे को अपना इसे हिसाब चुकाओ। हम बताई हमारी विचार दियो कहते हैं ईका गड्ढा खोदी ईका और काजल का यहाँ चपका क्या काम गाड़ी दी उनका क्यों गाड़ चुके काजल ने क्या कहता क्या वहा बहुत मुरही यही है ऐसी तो घूमने लगी तुमको बंसी के साथ चलना है। बाबूजी कुछ कहिए कहना है तो कहो। मां